राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मैं आपका अपना शो आचार्य राजा उपाध्याय, गोल्ड मेडलिस्ट एक्सपर्ट वास्तु। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं कुंडली के रिलेटेड, अगर आपके जीवन से रिलेटेड, मैं आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता सकता हूं कुंडली के अकॉर्डिंग। अगर आपके पूर्व जन्म में क्या प्रॉब्लम थी, आगे वाले जन्म में क्या प्रॉब्लम होगी, सब कुंडली के माध्यम से पता चल जाता है। अगर आपको एक्टर का शौक है, आपको फेम पाना है, फेमस होना है, तो आप भी अपने वीनस यानी शुक्र को अच्छा कीजिए कुंडली के अंदर। अगर आपको मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करनी और कुंडली का विश्लेषण कराना है तो जल्दी से आप कुंडली का विश्लेषण कीजिए। एक बार जीवन में पत्रिका पे जरूर, अपनी कुंडली पे जरूर काम कराइए। कुंडली का एनालाइज करवाने के बाद जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। लव मैरिज हो, आपके अफेयर्स हो, अगर वह क्लियर नहीं हो रहे हो, अगर आपके व्यापार, बिजनेस, नौकरी, घर में सुख शांति न हो, पति पत्नी के अंदर डिवोर्स जैसी सिचुएशन हो रही हो, या नौकरी भी नहीं मिल पा रही हो, कोर्ट कचहरी के काम हो, तो आप कुंडली के अनुसार कुछ भी एनालाइज करवाने के बाद प्राप्त अपने रिजल्ट को देख सकते हैं और सही में 100% टेस्टेड उपाय आपके सामने लेकर आता हूं। तो चलिए, आज का टॉपिक था पब्लिक डिमांड पे कि ओटीटी बिग बॉस 15 के अंदर कौन जीतेगा। तो मैं आपको टॉप 3 हर बार की तरह फिर से बताने जा रहा हूं। समिता शेट्टी की अगर हो सकती है तो टॉप 3 के अंदर, दो कंफ्यूजिंग नाम आ रहे हैं लेकिन मैं आपको टॉप 3 के नाम पहले से मैं बता देता हूं। देखिए, विद्या अग्रवाल का दमदार परफॉर्मेंस जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और इनकी कुंडली का बृहस्पति अभी फिक्स लेवल पर अच्छा है। हो सकता है ये रनर अप भी रह सकती है या इस साल के ओटीटी बिग बॉस 15 की विजेता भी विद्या अग्रवाल रह सकती है। मेरा टॉप 3 के अंदर पहला नाम विद्या अग्रवाल का है, दूसरा है प्रतीक सहजवाल। अगर प्रतीक सहजवाल अगर अपनी दम पे खेल रहा है, अगर थोड़ा और एक्टिव हो जाएंगे तो वास्तव में उनकी टीआरपी बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन लोगों को प्रतीक का शो भी बहुत और एक्शन भी बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा नंबर मेरा कंफ्यूजिंग है निशांत और समिता शेट्टी, इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। शायद निशांत जा सकता है या शमिता, दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये टॉप 3 नाम आपके सामने सबसे लेकर पहले आया हूं मैं, आपका अपना एस्ट्रो आचार्य राजा उपाध्याय। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें। बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट देता हूं, छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में ला सकते बड़े से बड़ा चमत्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री महाकाल।